Hello friends, in this video I'll discuss the JEE Main 2018 questions from the chapter Work Energy and Power. Collisions topic ke questions bhi isi chapter mein discuss kiye jate hain aur is video mein online offline sabhi papers ke question maine discuss kiye hain. Iske alawa is chapter ke JEE Main 2013 se 18 tak ke sabhi online offline papers ke solution aur NEET 2013 se 18 ke sabhi papers ke solution आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड वी नॉट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास. तो यहां पर कोलिनियर कोलिजन दिया हुआ है यानी कि हेड ऑन कोलिजन की बात की जा रही है. दोनों जो पार्टिकल्स हैं जिनका कोलिजन हो रहा है उनके मासेस सेम है. एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है जबकि दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर शुरू में हमें दिया हुआ है. इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. तो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी से 50% ज्यादा, यानी कि इफेक्टिवली 1.5 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहां पर मैंने फाइनल डायग्राम भी बना लिया है साथ में, जिसमें पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v1 और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 मैंने ली है. कोलिजन के क्वेश्चंस में हमें मोमेंटम और एनर्जी का एनालिसिस करना होता है जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन. इसीलिए मैंने ये दोनों डायग्राम्स, इनिशियल और फाइनल डायग्राम्स बनाए हैं. आगे देखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज. तो कोलिजन के बाद दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है. तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आ सकती है? वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन हो जाएगा v2 माइनस v1. वेक्टर्स की फॉर्म में वेलोसिटी हमें लेनी है. क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड बनाना था तो यहां पर टू विद रिस्पेक्ट टू वन भी बना सकते हैं और वन विद रिस्पेक्ट टू टू को भी हम सॉल्व कर सकते थे. तो अब यहां पर हमें इफेक्टिवली फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स बताने हैं और उसकी मदद से हम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. तो जहां पर ये जो दोनों बॉडीज हैं इनको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे और उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. क्योंकि कोलिजन के दौरान ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी लेकिन कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. तो मैंने साइन कन्वेंशन राइट पॉजिटिव लिया है. फाइनल वेलोसिटीज भी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट की राइट की तरफ v1 और v2 अज्यूम की थी. अगर कोई पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो आप सॉल्यूशन के बाद देखेंगे कि उसके v1 या v2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी. अगर v1 v2 की वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं यानी कि जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम की है वो सही है. तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम देखते हैं. वो है पहली बॉडी का m into v0 और द सेकेंड बॉडी वॉज एट रेस्ट. फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? दोनों ही राइट की तरफ मैंने अज्यूम किए हैं तो दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे मोमेंटम की वैल्यूज को. m into v1 प्लस m into v2 हो जाएगा पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम. m की टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है v0 = v1 + v2. अब दूसरा डिस्कशन एनर्जी का करते हैं. यहां हम देख चुके हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के कंपेरिजन में 50% ज्यादा थी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी वाज 1.5 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो इस फैक्ट की मदद से भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv0 का स्क्वायर, जो कि दूसरी बॉडी इनिशियली रेस्ट पर. तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ हाफ m की टर्म्स जो हैं वो कैंसिल कर सकते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स v0 का स्क्वायर. ठीक, ये हाफ m की टर्म को मैंने कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दिया है. अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है v1 और v2. यहां से v1 v2 की वैल्यूज आ जाएगी. अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं. यहां पर क्या करेंगे? पहले v2 को ले लेंगे v0 माइनस v1 और फिर इस टर्म को v0 माइनस v1 यहां लिखा है इसको दूसरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा. v1 स्क्वायर प्लस v0 माइनस v1 का स्क्वायर
is equal to 1.5 times V naught का square. यहाँ brackets को open करेंगे, V naught का square एक बार आएगा, यहाँ पर V1 का square आएगा, minus 2 V naught V1 is equal to 1.5 times V naught का square. V naught के square की terms को इकट्ठा कर लेते हैं, V1 का square में यहाँ पे हो जाएगा 2 V1 का square, minus 2 V naught V1, और यहाँ पर 1.5 V naught square left hand side जाके subtract हो जाएगा, minus 0.5 V naught का square is equal to 0. तो यहाँ पर ये quadratic equation आ गई है, इसमें से V1 की value हमें V naught की form में निकालना है, तो हम यहाँ पर directly formula apply कर सकते हैं quadratic को solve करने का. For example, AX square plus BX plus C is equal to 0 की form से हम इसको compare कर लेंगे. तो यहाँ से आपके पास दो roots आएंगे, V0 by 2 1 minus root 2 और V0 by 2 into 1 plus root 2. तो उसमें से मैंने V1 की वैल्यू किसको चूज किया और दूसरे रूट को V2 की वैल्यू क्यों मैंने अज्यूम किया है ये मैं आपको समझा देता हूं. यहां पर आप देख सकते हैं जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगाएंगे, बेसिकली एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी. तो जब ये टकराएंगे तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट सॉरी ये लेफ्ट वाला जो पार्टिकल है इस पे लेफ्ट की तरफ नॉर्मल इंपल्स लगेगी और राइट वाले पार्टिकल पे राइट की तरफ फोर्स लगने वाली है. और राइट का पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था तो जो राइट में पार्टिकल है उसकी फाइनल वेलोसिटी राइट की तरफ ही होने वाली है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फोर्स भी राइट की तरफ लगी थी. तो इसीलिए V2 जो है वो चूंकि राइट की तरफ आना चाहिए इसलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. तो यहां पर दो रूट्स में से जो पॉजिटिव रूट था V0 by 2 1 plus root 2 उसको मैंने V2 की वैल्यू ली है तो ऑफकोर्स दूसरी वैल्यू जो है वो V1 की वैल्यू हो जाएगी. ये जो पहला पार्टिकल है इसके केस में V1 की वैल्यू जो है वो प्लस भी हो सकती थी माइनस भी हो सकती थी, दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहां पर जो नेगेटिव रूट आया था उसकी वैल्यू मैंने V1 को असाइन कर दी है और दूसरी इक्वेशन में V1 की वैल्यू डाल दोगे तो V2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी. अब V1 V2 की वैल्यूज आ गई हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो V2 माइनस V1 मैं कर दूंगा क्योंकि ये दोनों सेम साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज मैंने डाल रखी हैं. तो V2 माइनस V1 हो जाएगा. यहां पर आप देखेंगे V0 by 2 की टर्म को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया है पहले ही. ब्रैकेट के अंदर V2 में से बचेगा 1 प्लस रूट 2 माइनस V1 में से बचेगा 1 माइनस रूट 2. तो यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी और रूट 2 वाली टर्म्स माइनस के साइन की वजह से ऐड हो जाएंगी. ये हो जाएगा रूट 2 माइनस माइनस रूट 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट 2. तो V0 by 2 बाहर था और 2 रूट 2 ब्रैकेट में से आया है. यहां से हमारा आंसर आ गया V0 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर द कोलिजन वाज रूट 2 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. ऑप्शन 2 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. ऑफलाइन पेपर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं. It is found that if a neutron suffers an elastic collinear collision with deuterium at rest. तो यहां पर भी एक elastic head-on collision हमें दिया गया है जहां पर एक न्यूट्रॉन स्टेशनरी ड्यूटीरियम पार्टिकल से टकरा रहा है. ड्यूटीरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है विद मास नंबर 2. तो न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी मैंने V नॉट ले ली है और ये जो है ये ड्यूट्रॉन से कोलाइड करेगा. इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल रिमेन द सेम. आगे देखते हैं फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज पीटी. तो जब न्यूट्रॉन ड्यूटीरियम से टकराएगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ड्यूटीरियम पे ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक पूरा जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी लेकिन आपस में सिस्टम के दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होगा. ड्यूटीरियम इनिशियली रेस्ट पे था, कोलिजन के बाद वो मूव करने लगेगा तो ड्यूटीरियम जो है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज व्हाई न्यूट्रॉन विल लूज सम काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन में फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी की बात की जा रही है. तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल लॉस को इनिशियल वैल्यू से हमें कंपेयर करना है. तो काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है इस रेशियो की वैल्यू पीडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है. तो कोलिजन से जस्ट पहले का डायग्राम मैंने बना लिया है, साथ में कोलिजन के जस्ट बाद का भी डायग्राम हम बना लेंगे. इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट.
मैंने दोनों की फाइनल वेलोसिटीज को v1 और v2 ले लिया है राइट की तरफ. अगर वैल्यूज अलग होंगी तो इनमें से जो भी टर्म लेफ्ट की तरफ होगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी. तो हम राइट की तरफ वेलोसिटीज को अज्यूम करते हुए सॉल्व करेंगे और अकॉर्डिंगली v1 v2 जो वेरिएबल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाइल फॉर इट सिमिलर कोलिजन विद द कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट. तो ऐसा ही कोलिनियर इलास्टिक कोलिजन कार्बन के साथ जब होगा तब फ्रैक्शनल लॉस कुछ अलग आएगा. ठीक, तो पहले ड्यूटीरियम पार्टिकल था जिसका मास नंबर 2 था, अब कार्बन के साथ कोलिजन हो रहा है जिसका मास नंबर 12 है. बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं तो उस केस में भी, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, पहला डिस्कशन अलग था, दूसरा डिस्कशन अलग है. दूसरे डिस्कशन में जो न्यूट्रॉन का पार्टिकल है उसका फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस इस बार पीसी हमें दिया हुआ है. तो फिर से फाइनल वैल्यूज ले लेंगे. पहले केस में न्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम की वैल्यूज v1 और v2 मैंने अज्यूम की थी. दूसरे केस में v1 डैश और v2 डैश जो है वो फाइनल वेलोसिटीज मैंने अज्यूम की है. तो एक तरीके से ये दो अलग अलग कोलिजन के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, बारी बारी हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो ये जो फर्स्ट केस है इसका सॉल्यूशन मैं पहले देखूंगा. यहां पर पीडी और पीसी की वैल्यूज ही हमें बतानी है. तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की निकाल लेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर देंगे और वहां से हमारे पास पीडी और पीसी की टर्म्स निकल सकती हैं. तो सबसे पहले पूरा एक सिस्टम अज्यूम करेंगे न्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम पार्टिकल को और उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. कोलिजन के दौरान ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगाएंगे लेकिन बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है. तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, सिर्फ न्यूट्रॉन मूव कर रहा था, न्यूट्रॉन का मास ले लिया मैंने m, तो मोमेंटम हो गया mv0. ड्यूटीरियम रेस्ट पे था उसका मोमेंटम मैंने 0 लिया है. फाइनली क्या होगा, ड्यूटीरियम का मास जो होता है मास नंबर 2 होता है, यानी कि वो न्यूट्रॉन के डबल मास का पार्टिकल है. न्यूट्रॉन का मास SI यूनिट्स में मैंने m अज्यूम किया था, ड्यूटीरियम का मास हो जाएगा 2m. तो फाइनल मोमेंटम हो गया m × v1 प्लस 2m × v2. अगेन यहां पर राइट पॉजिटिव मैंने कन्वेंशन ली है और सारी वेलोसिटीज राइट की तरफ ही हैं. तो यहां से m की टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v0 = v1 + 2 × v2. दूसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे, यहां पर हमें इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो हेड ऑन कोलिजन है. हम यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं. वहां पर इक्वेशन क्या होती है, v1 − v2 = −e × u1 − u2. तो v1 और v2 दोनों पार्टिकल्स की फाइनल वेलोसिटी हैं, u1 और u2 दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी हैं. और यहां पर e जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. और अगर इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है पूरे सिस्टम की, तो e की वैल्यू हम 1 ले लेंगे. ठीक, तो यहां पर वैल्यूज हमें प्लग इन करनी है. राइट की तरफ फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी. e की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है और u1 और u2 की जगह मैंने पुट कर दिया है v0 और 0. ठीक, v1 जो थी पहले न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी थी तो न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v0. तो v1 की जगह तो मैंने v1 ही लिखा है, u1 की जगह आ जाएगा v0. सिमिलरली ड्यूटीरियम रेस्ट पर था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर मैंने v2 ली है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया है. तो यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, v2 की वैल्यू आ जाएगी v0 + v1. ठीक, माइनस v0 की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, माइनस v2 की टर्म को आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में v2 की वैल्यू v1 + v0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो इक्वेशन हो जाएगी v0 = v1 + 2 × v1 + v0. यहां से 3v1 − v0 के बराबर आएगा. सब v1 v0 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं. v1 की वैल्यू आएगी −v0/3. ये वैल्यू नेगेटिव आई है यानी कि कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाएगा. अब v2 की वैल्यू अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस न्यूट्रॉन के लिए निकालना था. तो न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी हो गई −v0/3. तो यहां पर ये जो पीडी की टर्म है इसको सीधा सीधा हमें सॉल्व करना है. काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी.
न्यूट्रॉन की इनिशियल एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, न्यूट्रॉन की फाइनल एनर्जी थी हाफ एम वी वन का स्क्वायर। इसका रेशो लेना है इनिशियल एनर्जी के साथ, यानी कि डिवाइडेड बाय हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये पीडी के बराबर आएगी। अब आगे वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। यहां पर मैंने क्या किया है, V1 के स्क्वायर की जगह माइनस V0 बाय 3 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। हाफ एम की टर्म ऊपर नीचे आप कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचेगा V0 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यानी कि V0 का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक, इसका स्क्वायर मैंने लिया डिवाइडेड बाय अगेन V0 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे V0 के स्क्वायर वाली टर्म भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 बाय 9। ठीक, यहां पे 1 बचेगा, यहां बचेगा 1 बाय 9, डिनोमिनेटर में भी 1 हमारे पास रह जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाय 9 हो गया 8 बाय 9, विच इज इक्वल टू 0.89। अब यहां पर PD की वैल्यू मैंने निकाल ली है, सेम प्रोसेस करके हमें PC की वैल्यू दोबारा निकालनी थी, क्योंकि दूसरे कोलिजन में दूसरे पार्टिकल का मास डिफरेंट था। लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो PD की वैल्यू 0.89 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी हुई है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी सेकंड पार्ट में दोबारा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब लेफ्ट साइड वाला ये डिस्कशन भूल जाते हैं, ये कार्बन के साथ जो कोलिजन हुआ था इसको देखेंगे। मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वी वन डैश प्लस 12 इंटू एम इंटू वी टू डैश। कार्बन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 12 टाइम्स ज्यादा होता है। एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन में हम इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी विल यूज वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स यू वन माइनस यू टू। यहां पर ई की वैल्यू 1 हमें यूज करनी है, तो वी वन डैश माइनस वी टू डैश लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई यू वन डैश माइनस यू टू डैश। ठीक, न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी माइनस कार्बन की इनिशियल वेलोसिटी। यहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वी टू डैश इज इक्वल टू वी वन डैश प्लस वी नॉट। इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वी वन डैश की वैल्यू आ सकती है। तो मैंने यहां पर क्या किया, 12 इंटू वी टू डैश की जगह मैंने 12 इंटू वी वन डैश प्लस 12 इंटू वी नॉट सब्सटीट्यूट कर दिया है। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, 13 वी वन डैश माइनस 11 वी नॉट के बराबर आएगा, यानी कि वी वन डैश हो जाएगा माइनस 11 बाय 13 वी नॉट। तो फाइनल न्यूट्रॉन की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में हमने फिर से एक्सप्रेस कर ली है। अब मैं ये रेशियो पीसी निकाल सकता हूं। पीसी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, यानी कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। इसको हमें इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करना था। अगेन आप देखेंगे हाफ एम की जो टर्म है वो ऊपर नीचे हम कैंसिल कर देंगे। वी वन डैश हमारे पास है तो वी वन डैश का स्क्वायर हो जाएगा इस पूरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि 121 अपॉन 169 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ऊपर नीचे वी नॉट स्क्वायर की टर्म हर जगह है, उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 121 बाय 169 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि पीडी की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 0.28। अगेन ऑप्शन 3 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। इस पेपर में कोलिजन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे, तो थर्ड क्वेश्चन को भी आप डिस्कस कर लेते हैं। द मास ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हमें दिया हुआ है। इफ 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकेंड, तो हाइड्रोजन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में स्ट्राइक कर रहे हैं। कहां स्ट्राइक कर रहे हैं देखते हैं, दे आर स्ट्राइकिंग अ फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां वॉल का एरिया दिया हुआ है और उस पर इतने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड आके टकरा रहे हैं एट एन एंगल 45 डिग्री टू द नॉर्मल। तो यहां वॉल से पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड डायग्राम मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पर ये मैंने वॉल बना दी है, वॉल का नॉर्मल जो है वो ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल वॉल। तो आपके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो 45 डिग्री टू द नॉर्मल आ रहे हैं, तो यहां पर एक ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। एंड दे रिबाउंड इलास्टिकली, तो जब भी फिक्स्ड वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन होता है किसी पार्टिकल का,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। तो चूंकि 45 डिग्री पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा था तो यहां पर मैंने ये इनिशियल डायरेक्शन दे दी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की और ये कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहां पर नॉर्मल के साथ अगेन 45 डिग्री बना रही है। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1000 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। देन द प्रेशर ऑन द वॉल इज नियरली, तो हमें इस सब डिस्कशन से प्रेशर ऑन द वॉल निकालना है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब किसी फिक्स्ड वॉल से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड टकराते हैं तो उसकी मदद से हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं और फोर्स अपॉन एरिया की मदद से हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो फोर्स वाली टर्म है ये हमें इसके लिए मोमेंटम का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मोमेंटम का चेंज डिस्कस करने के लिए क्योंकि ये रैंडम एंगल्स पे वेलोसिटी दी हुई है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। नॉर्मल के अलोंग एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस अज्यूम किया है। इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पर 45 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे अगर इसी वेलोसिटी वेक्टर को मैं आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूं तो यहां पर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पर ये मैंने इनिशियल मोमेंटम वेक्टर ले लिया है। ठीक, इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे, पी इनिशियल कॉस 45 एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा और पी इनिशियल साइन 45 जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग यहां पर कंपोनेंट है। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम की भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, सेम फाइनल मोमेंटम वेक्टर भी मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, अगेन एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 55 डिग्री। इसके भी हम कंपोनेंट्स कर लेंगे, फाइनल मोमेंटम इंटू कॉस 45 आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग और फाइनल मोमेंटम इंटू साइन 45 आ जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। अब आप देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू सेम है। ठीक, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था एम इंटू वी दोनों केसेस में और यहां पर नीचे की तरफ पहले का मोमेंटम है साइन 45 और दूसरा मोमेंटम भी नीचे की तरफ है साइन 45। तो y एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम चेंज होगा x एक्सिस के अलोंग। पहले का मोमेंटम था राइट की तरफ और दूसरा मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आया था लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो x एक्सिस मैंने यहां पर राइट की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना है लेफ्ट की तरफ, यानी कि एम वी इंटू कॉस 45 आगे लगा दिया मैंने माइनस का साइन माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम राइट की तरफ है तो ऑफकोर्स मैंने उसको पॉजिटिव लिया, एम इंटू वी इंटू कॉस 45। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप जो है वो मैंने डायरेक्शन के लिए यूज किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोमेंटम चेंज में ये दोनों टर्म्स एड हो जाएंगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा माइनस टू एम वी कॉस 45 आई कैप। तो अब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है माइनस आई कैप यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन हमने देख ली है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, वो होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, ये तो एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज है, ये कितना है मोमेंटम चेंज ऑफ वन पार्टिकल। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल टाइम हमें देना है और टोटल मोमेंटम चेंज हमें निकालना है, तो मैं 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लूंगा और 1 सेकंड में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा मोमेंटम चेंज होने वाला है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का एनालिसिस था, 1 सेकंड में ऐसे 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टकराएंगे, तो उन सभी का मोमेंटम टोटल मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम चेंज ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके आप एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। इस चीज को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी ध्यान रखेंगे। तो जब भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स फिक्स्ड वॉल या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस से टकराते हैं तो एवरेज फोर्स की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स पर सेकंड हो गए 10 की पावर 23
और एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज था 2mv cos 45. तो यहां पर वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर फोर्स का आ जाएगा 10^23 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एम की जगह डालेंगे 3.32 × 10^-27, वी की जगह डालेंगे 1000 m/s और cos 45 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√2. यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.4696 N. अब हमें प्रेशर निकालना है तो फोर्स की वैल्यू को एरिया ऑफ द वॉल से हम डिवाइड कर देंगे. तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया था 2 × 10^-4 m². यहां से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2.35 × 10^3 N/m². यानी कि ऑप्शन 3 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. सेकंड ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन अब देखते हैं. अ प्रोटॉन ऑफ मास m कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ पार्टिकल ऑफ अननोन मास एट रेस्ट. तो यहां पर हमें एक प्रोटॉन दिया गया है, उसका मास स्मॉल m है और वो मूव कर रहा है और एक और पार्टिकल से जाके वो कोलाइड करेगा. तो यहाँ पर मैंने जस्ट बिफोर द कोलिजन डायग्राम बनाया है जहाँ पर प्रोटॉन मूव कर रहा है और जो अननोन पार्टिकल है उसका मास मैंने कैपिटल एम लिया है, वो रेस्ट पर है. और दोनों के बीच में किस तरीके का कोलिजन होने वाला है? इलास्टिक कोलिजन. आगे देखते हैं. After the collision, the proton and the unknown particle are seen moving at an angle of 90 degree with respect to each other. Collision के बाद दोनों ही particles move कर रहे हैं और दोनों particles के velocity vectors के बीच का angle 90 degree है. तो यहाँ पर हमने सबसे पहली बात ये देखी कि ये जो collision हुआ था ये collinear collision नहीं था. This was not a head-on collision, it was an oblique collision. क्योंकि अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स के अलोंग होती है और उसमें उस तरीके के कोलिजन में कोलिजन होने के बाद भी पार्टिकल्स उसी लाइन के अलोंग मूव करते हैं. यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनकी डायरेक्शन ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी से कुछ डिफरेंट आएगी और इसी वजह से मैंने बोला है कि ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, इट इज़ एन ओब्लीक कोलिजन. The mass of the unknown particle is, तो ये unknown particle का mass हमें बताना है. तो ये काफ़ी standard सी situation है और अगर हमें एक rule याद हो तो हम directly इस question को solve कर सकते थे. तो पहले मैं वो rule discuss करूँगा और उसकी मदद से directly इस question को solve कर देंगे और उसके बाद पूरा derivation करके भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वो result कैसे आया. तो यहाँ पर जो result है वो ये है कि for an oblique elastic collision of identical masses when one is initially at rest. तो अगर दो particles के बीच में oblique elastic collision हो रहा हो, identical bodies हैं वो और उनमें से एक initially rest पर है, तो final velocity vectors of the two objects are orthogonal. तो यहाँ पर condition match हो रही है, oblique elastic collision हो रहा है और दोनों bodies की final velocities के बीच में angle है 90 degree. यानी कि दोनों बॉडीज जो हैं उनके मास आइडेंटिकल रहे होंगे. तो प्रोटॉन का मास क्वेश्चन में स्मॉल m हमें लेना था तो अननोन पार्टिकल का मास भी स्मॉल m आ जाएगा. ये रूल को हम प्रूव कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे कि कोलिजन के जस्ट बिफोर और कोलिजन से जस्ट आफ्टर हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. हम दोनों पार्टिकल्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे और उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही है. जब कोलिजन होगा तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे लेकिन इन दोनों को एज अ सिस्टम कंसिडर करें तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है. तो वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम पहले पार्टिकल का है पी, पी वेक्टर मोमेंटम वेक्टर है. यहाँ पर पी मैंने प्रोटॉन के लिए यूज़ किया है, ये पी वेक्टर मोमेंटम को शो कर रहा है. पी वन प्रोटॉन का फाइनल मोमेंटम है और पी टू अननोन पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम मैंने लिया है. तो अलग से रिजॉल्व करने की बजाय मैंने जनरल वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम को कंजर्व कर दिया है. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो पी वेक्टर का पी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. इन डॉट प्रोडक्ट्स को हम ओपन कर सकते हैं. जब वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर क्या आता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो पी डॉट पी वेक्टर हो जाएगा पी स्क्वायर. यहाँ पर ये जो ब्रैकेट की टर्म है इसको ओपन कर लेंगे
P1 dot P1 यानी कि P1 स्क्वायर, P2 dot P2 यानी कि P2 का स्क्वायर, और दो बार टर्म आएगी P1 dot P2 plus P2 dot P1. तो दोनों टर्म्स को एक साथ मैंने लिख लिया है 2P1 dot P2. तो यहां पर ये इक्वेशन जो आई है ये मोमेंटम को कंजर्व करने से आई है फॉर द सिस्टम. अब चूंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो एनर्जी भी हम कंजर्व करेंगे. बिफोर द कोलिजन एनर्जी कितनी थी? P² / 2m. काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम P² / 2m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर P जो है वो मोमेंटम को सिंबलाइज कर रहा है. चूंकि हम यहां पर दोनों पार्टिकल्स को आइडेंटिकल मान रहे हैं तो उन दोनों के ही मासेस मैंने सेम लिए हैं. तो पहले सिर्फ प्रोटॉन मूव कर रहा था तो मोमेंटम हो गया P² / 2m इनिशियल, सॉरी मोमेंटम हो गया P और इनिशियल एनर्जी हो गई P² / 2m. फाइनल मोमेंटम प्रोटॉन जो है उसका हमने P1 लिया था तो एनर्जी हो गई P1² / 2m, और अननोन पार्टिकल की मोमेंटम हो जाएगा P2² / 2m. तो आप देखेंगे चूंकि दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं 2m वाली टर्म्स हर जगह कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा P² = P1² + P2². अब इस टर्म को हम ओरिजिनल मोमेंटम वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं P² = P1² + P2². तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 2P1 dot P2 = 0, यानी कि P1 और P2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है. तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है इसका मतलब उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री. ठीक, P1 dot P2 का मतलब होता है P1 P2 cos theta. तो थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री डालेंगे तो cos theta 0 हो जाएगा और पूरी टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी. तो यहां पर ये मैंने जनरल स्टेटमेंट यूज की थी जिसकी मदद से हम देखते ही आंसर लिख सकते थे अगर हमें ये स्टेटमेंट ध्यान रहती तो. फिर इस स्टेटमेंट को भी मैंने प्रूव करके दिखाया है. अब अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं होती और आप मैन्युअली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो भी कैसे करना था ये हम अब देखेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनके बीच में ओब्लिक कोलिजन हो रहा है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़े ध्यान से चूज करना पड़ेगा. मैंने इनिशियल वेलोसिटी वाली लाइन जो है उसको एक्स एक्सिस यहाँ पे चूज करना है. आप देख सकते हैं दोनों बॉडीज के अगर आप सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और सेंटर टू सेंटर वाली लाइन जो है वो अलग है, जिससे हमें पता चलता है कि ओब्लिक कोलिजन हो रहा है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस चूज कर लिया है. V1 और V2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो V1 वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल मैंने ले लिया है थीटा, V2 वेक्टर का एंगल हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल इज 90 डिग्री. अब V1 वेक्टर की अलोंग ही मोमेंटम होगा प्रोटॉन का फाइनल, तो उसको P1 वेक्टर में यहां पर ले सकता हूं. इनिशियल मोमेंटम के लिए P वेक्टर हम यूज कर रहे हैं. सिमिलरली अननोन पार्टिकल के लिए मोमेंटम वेक्टर ले लेंगे P2. इसके अगर हम कॉम्पोनेंट्स करते हैं तो x एक्सिस के अलोंग आएगा P1 cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग आएगा P1 sin थीटा. आई होप वेक्टर्स रिजॉल्व करने आपको आते हैं. P2 को जब ब्रेक करेंगे तो उसका एंगल x एक्सिस के साथ है 90 - थीटा, तो उसका x कंपोनेंट हो जाएगा P2 cos 90 - थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा P2 sin 90 - थीटा. तो यहां पर इन कंपोनेंट्स की मदद से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी. तो इनिशियल मोमेंटम था एक्स एक्सिस के अलोंग, उसकी वैल्यू हमने पी यहां पर ली हुई है. फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा P1 cos theta + P2 cos 90 - थीटा. ठीक है, ये सभी वेक्टर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग हैं. यहां पर cos 90 - थीटा को मैंने sin थीटा लिख दिया है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है. सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्व करेंगे पूरे सिस्टम का, तो ऊपर का तरफ जो मोमेंटम आ रहा है वो नीचे के मोमेंटम के बराबर हो जाएगा. रीजन, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम मैंने 0 पुट किया है और फाइनल मोमेंटम में ऊपर की तरफ P1 sin theta यानी कि +P1 sin theta, नीचे की तरफ P2 sin 90 - थीटा यानी कि -P2 sin 90 - थीटा. तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर देंगे और वहां से P2 आ जाएगा P1 sin theta / sin 90 - थीटा, जिसको हम cos थीटा लिख सकते हैं. तो दूसरी इक्वेशन से P2 और P1 के बीच में रिलेशन आ गया है, इस टर्म को फर्स्ट इक्वेशन में अब सब्स्टिट्यूट करना है.
तो पहली इक्वेशन हो जाएगी p इज इक्वल टू p1 cos थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस p2 sin थीटा की जगह मैं लिख दूंगा p1 sin थीटा by cos थीटा into sin थीटा। बेसिकली p2 की जगह मैंने ये वाली टर्म सब्स्टिट्यूट की है। आगे कैलकुलेशन आसान है, यहाँ डिनोमिनेटर में cos थीटा है तो पहली टर्म को मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा ताकि LCM हम cos थीटा ले सकें। तो यहाँ पर p1 by cos थीटा, p1 by cos थीटा कॉमन बाहर आ जाएगा, पहली टर्म में बचेगा cos square थीटा और दूसरी टर्म में से बचेगा sin square थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर p1 की वैल्यू आ गई p cos थीटा, ठीक है, cos थीटा की टर्म p से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब पुरानी इक्वेशन में p1 की जगह p cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p2 की वैल्यू आ जाएगी p sin थीटा, ठीक, p1 की जगह अगर आप p cos थीटा डालेंगे तो ऊपर नीचे cos थीटा की टर्म कैंसिल हो जाएगी, p2 की वैल्यू आ जाएगी p sin थीटा। तो अब p1 p2 की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इलास्टिक कोलिजन वाली टर्म की मदद से एनर्जी कंजर्व करनी है। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल मोमेंटम था पी, तो एनर्जी हो जाएगी पी स्क्वायर बाय टू एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक, अननोन पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो ली है। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोटॉन का फाइनल मोमेंटम पी वन लिया था हमने और अननोन पार्टिकल का पी टू, तो एनर्जी हो जाएगी पी वन स्क्वायर बाय टू टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस पी टू का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स मास ऑफ द अननोन पार्टिकल। अब यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, p1 की जगह p cos थीटा, p2 की जगह p sin थीटा। तो हमारे पास टर्म्स आ गए p square by 2m is equal to p square cos square theta by 2m plus p square sin square theta by 2 into capital M। दोनों तरफ p square की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और ये जो 2 की टर्म है इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से क्या टर्म आएगी, बेसिकली ये जो पी स्क्वायर बाई टू की टर्म को हमने कैंसिल कर दिया है तो यहाँ पर स्मॉल पी वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा किया था तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पर बचेगा वन और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक तरफ बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरी तरफ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय एम। अब आप देख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अगेन ऑप्शन टू जो था दैट वाज अवर करेक्ट आंसर। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे। अ बॉडी ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज एज वी इज इक्वल टू ए रूट एस। तो v और s के बीच में रिलेशन हमें दिया हुआ है जहां पर v वेलोसिटी है, a इज अ कांस्टेंट एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्योंकि ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज करे तो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को सेम यूज करूंगा। यहां पर इट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रेस्ट भी दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पार्टिकल की जीरो लेनी है। द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, टोटल वर्क डन हमें निकालना है इन द फर्स्ट टी सेकेंड्स, तो जीरो से लेकर टी वाले इंटरवल में हमें एनालिसिस करना है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन। तो आप ध्यान देंगे मोशन रेस्ट से शुरू हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ली है मैंने एट टी इज इक्वल टू जीरो, और अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहां जीरो डालेंगे तो इनिशियल पोजिशन भी आपकी जीरो आएगी। तो ये यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशन है जिनकी मदद से वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन से एसोसिएटेड दो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, या तो हम डायरेक्टली वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई, वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एस, तो ds जो है वो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी हमें उसका कॉम्पोनेंट अलोंग द x एक्सिस लेना होगा। तो बेसिकली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है, यहां से हमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ s निकालना है, फिर उसको ds से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन कैसे निकल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में हमें दी हुई है उसकी वैल्यू हमें जीरो लेनी है।
तो अगर फाइनल वेलोसिटी को मैं टाइम की फॉर्म में निकाल लूं, जो कि फर्स्ट टी सेकंड्स में हमें एनालिसिस करना है, तो यहां पर हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो यहां पर ऑलरेडी v एज अ फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है, उसको v एज अ फंक्शन ऑफ t में मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और फिर w इज इक्वल टू डेल्टा k की मदद से वर्क डन इनडायरेक्टली निकल जाएगा। तो हम शुरू करेंगे गिवन फंक्शन से। गिवन फंक्शन है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ds बाय dt को मैंने a रूट s, जो क्वेश्चन में गिवन फंक्शन था, उससे इक्वेट कर दिया है। अब हम ds की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे s की टर्म्स को, तो ds बाय रूट s हो जाएगा a dt। दोनों साइड्स को अब हमें इंटीग्रेट करना है। t इज इक्वल टू जीरो पे s इज इक्वल टू जीरो हमें दिया हुआ है। एनी टाइम t पे पोजिशन s हमारे पास आ जाएगी, ठीक। 1 बाय रूट s को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 रूट s। आई होप बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको याद हैं। राइट हैंड साइड सिंपली a dt को इंटीग्रेट करेंगे तो a इंटू टी आ जाएगा, वेयर a इज अ कॉन्स्टेंट। तो यहां पे आपने देखा s और t के बीच का रिलेशन आ गया है। रूट s क्या हो जाएगा, ए टी बाय 2। दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, s हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, ठीक। ये 2 की टर्म को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं और फिर मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया है। अब पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मेरे पास आ गया है, तो मैं फिर से वेलोसिटी का फंक्शन निकालूंगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप ध्यान देंगे फिर से मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। पहले v की मदद से मैंने s का फंक्शन निकाला था, अब s की मदद से मैं वापस v का फंक्शन निकालूंगा। तो v हो जाता है डी एस बाय डी टी। इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ए स्क्वायर बाय 4 की टर्म कॉन्स्टेंट है, मैंने उसको बाहर ले लिया है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स टी। तो वेलोसिटी टाइम के फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास आ गया है, तो टी सेकेंड्स पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 लेनी थी, तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो v स्क्वायर निकालने के लिए मैंने यहां पर v की जो वैल्यू आई थी उसको स्क्वायर कर दिया है, तो a स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t, यानी कि a स्क्वायर t बाय 2 की जो टर्म है उसको स्क्वायर करना है, वो आ जाएगी a की पावर 4 t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। अब वर्क डन आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। v स्क्वायर की जगह a टू द पावर 4 t स्क्वायर बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से हमारा आंसर आ गया है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एम ए टू द पावर 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर देंगे, ऑप्शन 1 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर।